हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, क्लाइमेट गोल्स ग्लोबल साउथ, ये जो ग्लोबल साउथ है, इंडिया उसका एक वॉइस है। ग्लोबल साउथ नीड्स फाइनेंस टेक सेज पीएम। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ग्लोबल साउथ को आपके फाइनेंस और टेक चाहिए फॉर क्लाइमेट चेंज और गोल्स। इन कीपिंग विथ इट परस्यूट टू फोर्सफुली रेज इशूज ऑफ कॉमन कंसर्न ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिपीटेडली रेफर टू ग्लोबल साउथ एज ही कॉल्ड फॉर मोर क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड कार्बन स्पेस ड्यूरिंग हिज स्पीचेस एट दिस COP28 मीटिंग। ग्लोबल साउथ इज अ रिलेटिवली न्यू फॉर्मुलेशन टू रेफर टू दी डेवलपिंग कंट्रीज एंड डज नॉट एल्यूड टू जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। इंडिया हैज हेल्ड टू वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट दिस ईयर in an effort to take leadership of the developing countries and amplify their concerns at international forum. So, India देखिए, voice of global south आपका कौन है? India है। और ये किस लिए किया है इंडिया ने इस बार समिट में? क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके कंसर्न को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, फॉरम पे बताया जाए। Everyone knows that the countries of the global south include India, including India, have contributed very little in causing climate change. Yet the adverse impact of climate change affect them the most. Despite lack of adequate resources, these countries have committed themselves to take climate action. But to fulfill their objectives, Global South needs climate finance and technology. ये बात हो गई। मोदी said at a session of transforming climate finance. तो ये मोदी जी ने बात बोली है। क्या बोली है इन्होंने? ये सबको पता है कि ग्लोबल साउथ ने कोई ऐसा एमिशन नहीं किया जिससे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स में ग्लोबल साउथ सबसे कम है, पर अगर उसका एडवर्स इफेक्ट देखें तो ग्लोबल साउथ के ऊपर सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये बस इसलिए हो रहा है क्योंकि लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेस है हमारे पास, ग्लोबल साउथ के पास। तो ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, तो इन्होंने ये आवाज़ वहाँ पे उठाई है। इट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ दैट डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प देम इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये ग्लोबल साउथ का एक्सपेक्टेशंस बता रहे हैं क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हमें हेल्प करें। दिस इज नेचुरल एंड जस्टिफाइबल टू। और ये नेचुरल भी है और इसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई वेग बात बोल रहे हैं। द G20 मीटिंग हैड एग्रीड दैट 2030 क्लाइमेट एक्शन रिक्वायर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन क्लाइमेट फाइनेंस। दिस क्लाइमेट फाइनेंस हैज नॉट ओनली टू बी मेड अवेलेबल बट इट मस्ट ऑल्सो बी एसेसेबल एंड अफोर्डेबल टू द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ये पैसा तो मिलना चाहिए और ग्लोबल साउथ को मिलना चाहिए। एट अनदर सेशन मोदी इकोज द कॉमन टॉकिंग पॉइंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दैट द डेवलप्ड वर्ल्ड हैड नॉट बीन डूइंग इनफ टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ही सेड एज अ रिजल्ट ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज वर सफरिंग द मोस्ट। तो इन्होंने साफ बोला डेवलपिंग कंट्रीज के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। A small group of human society has indulged in indiscriminate exploitation of natural resources, and the penalty is being paid by the entire human race, but most acutely by the people of global south. Countries need to rise above their narrow self-interest and fulfill their climate obligation. तो जो कॉमन सेल्फ इंटरेस्ट या लोकल सेल्फ इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठो और क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, ये यहाँ पे बात हो रही है। मोदी ऑल्सो स्ट्रेस दैट डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट गेट टू यूटिलाइज एन अप्रोप्रिएट शेयर इन द फास्ट डिप्लीटिंग कार्बन बजट। रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन दैट साइंस सेज कैन बी अलाउड विदाउट ब्रीचिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टारगेट। मोदी ऑल्सो वेलकम दी operationalization of loss and damage fund on the opening day of COP28 Thursday. First of all, I hope that the COP28 would show real progress on the new collective qualified goals, new target in the place of US$100 billion per year from 2025 onwards on climate finance. Second, green climate fund and adaptation fund must not be starved of money, and they should also be replenished immediately. Third, the multilateral development banks should assure that they would provide affordable finance not just for development projects but also for the climate action. And fourth, I hope that the developed countries would
डिमिनिश देयर कार्बन फुटप्रिंट्स बाय 2050, मोदी सेड। अब आप तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स बोला है इन्होंने, सबसे ज़्यादा ये मोदी जी का इम्पोर्टेंट पॉइंट यही सब है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि रियल पिक्चर बताए, रियल प्रोग्रेस बताए, ठीक है, यहाँ पे मतलब रियलिटी बताए, ये पहला पॉइंट हो गया। आप दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड क्या है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। सेकंड फंड का इशू इन्होंने किया कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है आपका और एडेप्टेशन फंड है, ये पैसे की कमी से ना रहे, इनमें पैसा आए तो फंडिंग इंक्रीज किया जाए, ठीक है। थर्ड आप देखिए इन्होंने क्या बोला है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक जो है वो एश्योर करे दे अफोर्डेबल फाइनेंस, तो ये भी इन्होंने फाइनेंस यहाँ पे बात की, क्योंकि बिना पैसे के नहीं हो पाएगा ना, टेक्नोलॉजी चेंज करने में बहुत पैसा लगता है और डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है। फोर्थ इन्होंने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपना कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करे बाय 2050। ये चार पॉइंट्स यहाँ पे मोदी जी ने बोली है। और यहाँ पे आप देखिए क्या बोले, ये जो ग्लोबल साउथ का वॉइस है ये कौन है, इंडिया है, ठीक है। और आप देखिए कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे साफ बोला इन्होंने कि जो ग्लोबल साउथ है वो क्लाइमेट चेंज में सबसे कम है, पर क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, तो ग्लोबल साउथ की कोई गलती नहीं है। और इन्होंने बोला कि इसको ठीक करने के लिए क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी चाहिए ग्लोबल साउथ को, ठीक है। और ग्लोबल साउथ के एक्सपेक्टेशंस इन्होंने ये बताई है कि डेवलप्ड कंट्रीज से कि उनकी हेल्प की जाए टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और यही बात हुई है, इन्होंने ग्लोबल साउथ का पूरा साथ दिया है, ग्लोबल साउथ आपके हो गए डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, और बस इतना ही था। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।